अगर आपने सीएससी इसमें अप्लाई किया हुआ है तो आपके अप्रूवल मिल गया है, जैसे आपको मेल से पहचाने या आपके स्टेटस चेक करके, तो फर्स्ट टाइम अपने सीएससी लॉगिन को कैसे करना है, पासवर्ड कैसे बनाना है, वॉलेट पिन आपको कैसे बनाना है, ट्रांजेक्शन कैसे करना है, सारा जानकारी आपको ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इस बात से पता चला कि हमको सीएससी अप्रूव मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो सीएससी आईडी जो इसमें लिखा गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेलकम टू की फैमिली आया हुआ है और इस प्रकार हमको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आया है हमारे जो कि ईमेल पर। तो हम यहाँ पे समझ लिए हैं कि हमको जो कि सीएससी मिल चुका है। तो उस कंडीशन में आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि हमारा जो कि सीएससी आईडी क्या है, यहाँ पर लिखा गया है करेंशियल आज क्रिएटेड, तो जो कि लिंक आपको इसमें दिया गया है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं न्यू टैब लेकर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। तो जो आपको रिफरेंस नंबर था आवेदन करते वक्त जो इसमें दिया गया था उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, इस कैप्चा को यहाँ पर डालकर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यही देखने को आएगा आपका नाम जिस प्रकार होगा, और आपको यहाँ पर लिखने को आएगा अकाउंट हैज बिन क्रिएटेड और आपको अब जो कि है सीएससी आईडी ए हो गया, यानी आपका सीएससी आईडी क्रिएट हो गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो इसमें आपको आईडी का जो कि पासवर्ड कैसे बनाना है इसके बारे में आपको बताएंगे और सीएससी आपको चलाना कैसे होता है। सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको आ जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट डाल दिया हूँ। और यहाँ आने के बाद जो आपका सीएससी आईडी मिला था आप यहाँ पर डालेंगे, लेकिन पासवर्ड ही आपको यहाँ पर नहीं मालूम है। तो पासवर्ड फर्स्ट टाइम बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिखा गया है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर जो कि आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो यूजर नेम के बदले जो आपका सीएससी आईडी जो आप यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको क्या करना है यहाँ पे आपको लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। और उस कंडीशन में जब आपने सीएससी अप्लाई किया था तो जो ईमेल आईडी आपने दिया था ये आपको ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ है सीएससी की तरफ से मेल कि हमें जो कि सीएससी मिल गया है, वही जो कि ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। इस कैप्चा को यहाँ पे डालकर न्यू पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ईमेल पर जो कि पासवर्ड इसमें क्रिएट करने के लिए लिंक आपको भेज दिया गया है, तो आपको इस प्रकार देखने को आ जाएगा और नीचे में आपको हरे कलर का दिखाई दे देगा। अब चलिए जो आपने ईमेल आईडी इसमें दिया था उस ईमेल आईडी को पहले से आपको लॉगिन करके रखना होगा। अब आपको यहाँ पे नो रिप्लाई करके एक मैसेज आया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो देख सकते हैं कि आपको सीएससी की तरफ से आया है, यानी आपको फॉरगेट पासवर्ड जो हमने किया था उसी का है। तो क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखा गया क्लिक हियर टू क्रिएट पासवर्ड, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पर जो कि हमारे ब्राउज में काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में ए वाला जो कि है मैं लिंक पर क्लिक करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो काम करेगा। चलिए मैं यहां पे क्लिक हियर तो लिखा हुआ क्रिएट पासवर्ड, मैं इस पर क्लिक करता हूं और जो मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूं उस कंडीशन में मैं अपना पासवर्ड यहां पे लिख लेता हूं, जिसमें आप हो सके तो आप तगड़ा पासवर्ड बनाइए जिसमें स्पेशल करेक्टर के साथ जो कि आपको इसमें इंट्री हो, जो कि अच्छा आपके लिए बेनिफिट साबित हो। अपने मन के मुताबिक जो कि दोनों में मैंने पासवर्ड सेम टू सेम डाल दिया है, इस वाले बॉक्स में भी और इस वाले में, और चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड जो कि सक्सेसफुल रीसेट हो गया है। तो मैं अब क्या करता हूँ, लॉग इन के लिए इस पेज पर मैं जाता हूँ। मैं ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ सीएससी के, यहाँ पे हमको जो सीएससी आईडी मिला हुआ है जो स्टेटस में हमने चेक किया था वो डाल लेता हूँ। और फिलहाल जो मैं पासवर्ड बनाया है वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ और इस कैप्चा को मैं यहाँ पे डालकर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से ओपन होता है, जैसे मेरा ब्राउजर में इसी प्रकार से ओपन होता है, तो आपको कभी कभार इसमें इस्तेमाल करें मोजिला फायरफॉक्स क्रोम ब्राउजर में इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे फिर से लिखा गया लॉगिन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीएससी को मैं जो लॉगिन कर रहा हूँ, तो एक बार जो कि यस आपको मांगेगा, उसके बाद से यस आपको नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपका इसमें लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे यस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और उस कंडीशन में देख सकते हैं कि सीएससी का जो कि जितना भी सर्विस होगा आपको धीरे धीरे करके मैं इंस्टॉल होने लगेगा साइट पर। तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ और आपका जिस प्रकार जो किसको नेम होगा आपको यहाँ पे शो करेगा, जिला वगैरह सब कुछ शो करेगा और उस कंडीशन में रूलर अर्बन जिस प्रकार अप्लाई किए होंगे वो आपको इसमें शो करेगा। चेंज भी करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी एक बार में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि आपको क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो आपका प्रखंड का नाम होगा,
प्रखंड का नाम आपको इसमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो पंचायत होगा पंचायत आपको इसमें सेलेक्ट करना है, और उस पंचायत में आपका कौन सा गांव है यहां पे क्लिक करके गांव को सेलेक्ट करना है। अब आपका जो एरिया पिन कोड होगा डाकघर का पिन कोड आपको यहाँ पे लिख लेना है, और जो आपका एड्रेस होगा जहाँ पे आपका सीएससी आप चला रहे हैं उसका फुल एड्रेस आपको इसमें देना होगा। जैसे कि अपना गांव का नाम लिखिए, पोस्ट ऑफिस लिखिए, ब्लॉक का नाम लिखिए, वार्ड नंबर लिखिए, या आपको जिला जो कि जिस प्रकार का सारे जो कि बात आपको इसमें लिख देना है। और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट सर्वे हो रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आपको लॉग इन करने के बाद ये आपको आ रहा है सर्वे करने के लिए, तो जो चीज़ आप पर एक्टिवेट होगा उसी चीज़ को आपको यहाँ पे यस और नो करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि ट्रांजेक्शन करेंगे डिजिटल सेवा से तो बिल्कुल करेंगे, तो आपको यस कर लेना है। और डीजी पे जो कि सर्विस आप रेगुलर चला रहे हैं या आपको चलाना ही है, क्योंकि डीजी पे में ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है, तो इसको आपको करना है। आरिस डिवाइस आपके पास नहीं होगा तो इसको आपको यस कर लेना है, आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि सीएससी आप चला रहे हैं तो आपके पास आरिस डिवाइस होना चाहिए। खरीदने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान रहे कि साल में कम से कम दो बार तो ज़रूर ये ख़राब होता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पर आपको प्रिंटर प्रिंट रिसिप्ट है तो बिल्कुल है, नहीं है तो कभी आपको यस करना है। यहाँ पे मेंटेनेंस जो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं, यस कर लीजिए। कस्टमर सेंटर वर्क जो कि मास आता है बिल्कुल कर लीजिए। ये जो कि आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो कि सर्विस आपके पास नहीं होगा तो जैसे यहाँ पे पीएम दिशा पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज ही जो कि मेरा सीएससी अप्रूव हुआ था हम कहाँ से करेंगे, तो आप नो इसको कर सकते हैं। साथ में आपको इसमें बैंक के मित्र सर्विस को आपको ऑफर आपने कर रहा है कि नहीं, आने वाले दिन में हम करवे करेंगे तो यहाँ पे यस करते हैं। जो कि फिंगरप्रिंट डिवाइस है बिल्कुल है मेरे पास, साथ में आपको ये भी जो कि कोविड का तो एवरीवन जो कि मैं इसको यस कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर गिविंग जो कि सैनिटाइजर वगैरह मैं यहाँ पे यस करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट बटन में इस पर क्लिक करता हूँ और सर्वे सेव जो कि सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल जो कि है पूर्ण रूप से आपको लॉगिन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार इसको देख रहे हैं। सारा जो कि सर्विसेस आपको जिस प्रकार मैं चलाता हूँ अब यही जो कि आदमी चलाएगा, इसमें कोई दिक्कत इसके लिए नहीं होगा। सारा चीज़ जैसे कि यहाँ पे अब बारी आता है कि आपको पासवर्ड जो कि है कैसे बनाना है ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे आपको सीएससी वॉलेट का ये वाला जो सेक्शन आपको दिया गया अकाउंट वाले का, तो यहाँ पे लिखे है माई प्रोफाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो कि डिटेल्स कुछ आ जाएगा नॉर्मल, और साथ में आपको बैंक डिटेल्स जो कि आपको यहाँ पे आ जाएगा जो अपने फॉर्म भरा वक्त इसमें दिया होगा, इसमें पैन कार्ड का भी नंबर आपको इसमें आ जाएगा, किसको का जो डिटेल्स होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजली बिल का भी आपके एजेंट इसमें ऑलरेडी बन चुके हैं इसको भी यहाँ पे आ जाएगा। उद्यम जब रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तब कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत लोग नहीं किया है उससे भी ज़्यादा असर अभी तक नहीं पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो डिटेल्स आपको आ जाएगा तो यहाँ पे आपको आ जाता है, जैसे बिजली बिल इसमें पे करिएगा तो आपको कमीशन अच्छा खासा मिलता है, तो यहाँ पे जो कि आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आप यस कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इस कमीशन में मिलता है, ये अनिवार्य भी है आपको करने के लिए, तो यहाँ पे यस कर लीजिए, इसको टिक कर दिया, सबमिट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया, आप कोई भी बिजली बिल आप पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमीशन इसमें दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सीएससी का जो पासवर्ड होगा वो आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ वॉलेट पिन का, क्योंकि मेरे पास जो कि वॉलेट पिन अभी तक है ही नहीं। ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको इसमें वॉलेट का जो पिन बनाना होता है तो यहाँ पे चेंज वॉलेट पिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो कि पहले से आपके पास जो कि वॉलेट का पिन है तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करता हूँ, और उस कंडीशन में आपको जो कि जो मोबाइल नंबर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो सीएससी में दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा तो आपका पिन बन जाएगा। चुपचाप जो कि आप इसमें मोबाइल वाला को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर सीएससी की तरफ से एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद मैं सबमिट बटन में इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपके पास जो कि नए वॉलेट का पिन बनाइए और फिर से दोबारा से वही पिन आपको यहाँ पे डालकर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। यही जो कि है पिन, आप हो सके तो किसी को मत बताइए, क्योंकि सारा जो कि ट्रांजेक्शन आपको इसी वॉलेट पिन से होगा। आप जितने मर्जी बार चाहें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पिन किसी को बताना आपके लिए ज़्यादा फायदा नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पे पिन डालकर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। पिन जो कि है चेंज सक्सेसफुली हो गया है।
यानी जो कि मेरा पिन यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसे ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, जिस प्रकार आप पैन कार्ड बनाएं या आपको वृद्धा पेंशन का KYC करें, CSC से रिलेटेड आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा, PM किसान का KYC करना, सारा जो कि आप इसमें कर सकते हैं। अब आइए, इस पैसा इसमें लोड करना होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस जो कि आपको वॉलेट पर आइए और यहाँ पर लिखा गया एड मनी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर ये जो कि आप एड मनी नहीं करना चाहते हैं तो जिस प्रकार आप DGPay चलाएंगे उसी कंडीशन में टॉपअप आप वहीं से भी कर सकते हैं, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि DGPay अपना जो कि CSC से कैसे इसमें क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल पैसा इसमें हम कुछ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इससे ट्रांजेक्शन भी करना है। एड मनी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको HDFC और आपको एक्सिस का जो आपको पेमेंट गेटवे लगाया गया है तो सबसे अच्छा वर्क करता है आपको फिलहाल अभी HDFC का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और कितना जो कि पैसा आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 500 रुपये इसमें डालना चाहता हूँ, एक मोबाइल नंबर कोई सा डाल लीजिए और उसके बाद एड मनी वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे विथ जो इसमें लिखा गया है किस प्रकार से आप इसमें पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको इसमें लगाया गया है जो कि देख सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारा जो कि आप UPI के भी मदद से आप कर सकते हैं। सबसे आसान है आपको UPI, चलिए मैं यहाँ पे UPI ही पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, जो आपको मर्जी करे वहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे आसान जल्दी फास्ट में आप फ़ोनपे का इस्तेमाल कर लीजिए, इस पर क्लिक करिए, जो फ़ोनपे का नंबर है आपको यहाँ पर डालकर कन्फर्म पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब जो कि मेरे फोन पे पर आ गया नोटिफिकेशन कि CSC से हमको जो कि 500 रुपये डालना है, चलिए मैं इसको पे कर देता हूँ। पेमेंट मेरा जो कि सक्सेसफुली इसमें हो चुका है, पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपअप आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अगर किसी कारणवश कभी कभार आपका पेमेंट इसमें नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपका रिटर्न जो कि पैसा आपको फिर से फ़ोनपे आपको जिस अकाउंट से आपने पे किया होगा उसमें आ जाएगा। अब चलिए, एक कभी कभार जो कि लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से आपको लॉग इन कर लेना है। जो मेरा पैसे सक्सेसफुली हुआ है तो यहाँ पे आना है वॉलेट वाले में और समरी पर आपको क्लिक करना है और देख सकते हैं कि हमने 500 रुपये इसमें डाला था और 500 मेरा जो कि है आ चुका है। अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे, देखना चाहते हैं कि हमारा जो कि पैसा कब कब किस में कितना कटा हुआ है और हमारे जो कि डिस्प्ले पर दिखाएगा कि इतना जो कि पैसा कटा हुआ है उससे आपको कम कटता है, तो उस कंडीशन में समझ लेना है कि हमको कमीशन इसमें मिला हुआ है। तो आपको आ जाना है यहाँ पे जो कि किताब वाले सेक्शन में, पासबुक में, और यहाँ पे वॉलेट जो कि लीडले लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। और जिस प्रकार जो डिटेल्स आपको देखने को आएगा यहीं पे, जैसे 500 रुपये अभी ऐड हुआ है तो क्रेडिट लिखेगा और प्लस लिखेगा, और जो ट्रांजेक्शन आप इसमें करेंगे अगर आपको डिस्प्ले पर दिखाता है कि जैसे पेन कार्ड आप बनाते हैं कि 112 रुपये आपको इसमें कटेगा स्क्रीन पर, 97 से 96 रुपये कटता है और आपको डिस्प्ले पर दिखाता है 112 रुपया, तो वही जो कि कंडीशन में आपको कमीशन उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि हमको इतना जो कमीशन मिला हुआ है। तो कमीशन ऑन टाइम आप देखना चाहते हैं तो इसी जो कि सेक्शन में आकर अपना कमीशन भी आप देख सकते हैं। आपका जो कि है CSC पूर्ण रूप से एक्टिव हो गया है, सारे कंडीशन में आप नॉर्मल जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको DGPay कैसे चलाना है। ये जो कि हमको CSC ID तकरीबन 2 साल के बाद हमको प्राप्त हुआ है बिना घूस के, लेकिन जहाँ पे घूस आदमी देता है तो जो कि आज आवेदन करने के बाद समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन के बाद अप्रूव हो जाता है, लेकिन बिना घूस का हमको 2 साल के बाद जो कि हमको CSC ID में मिला हुआ है। इस प्रकार मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया कि आपको फर्स्ट टाइम जो CSC आपको मिलता है स्टेटस के माध्यम से, तो आपको कैसे इसमें लॉग इन करना होता है। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीका का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा, फिर मिलता नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।